हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और इसी के आप सब देख सकते हैं, ये अपने नवरात्रि के खाने की तैयारी हो रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर बन रही है कुट्टू के आटे की पकौड़ियाँ। ये हमने रखे हैं आलू बॉयल करके, और ये रहा हमारा साबुदाना। इसकी भी हम लोग साबुदाना और उसकी वो क्या कहते हैं टिक्की बनाएंगे। और ये रहे हमारी पकौड़ियाँ, देख सकते हैं आप। और अभी हमारे समा के चावल बन रहे हैं, और ये मेरी भाभी है बना रही है, और पापा पता नहीं क्या कहने के लिए आए हैं। इसमें चटनी, इसमें हरी चटनी खा सकते हैं, बनाओगे ना? और देखो भाई बहुत सुंदर लग रहा है। और ये साबुदाना, इसकी हम लोग मिक्स करके टिक्की बनाएंगे। और इसमें अभी हम बनाने वाले हैं समा के चावल। भाभी गैस वो होगी, तेल डाल दो। मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। हमारे मंदिर में कीर्तन हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, पापा शाम के टाइम लाइट बंद क्यों कर रही? अभी मार लाइट शाम के नहीं नहीं अभी अभी पूजा करेंगे फिर। हाँ जी गाइस, मेरी तबीयत अब थोड़ी ठीक है, बस थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम हो रही है, वैसे मैं ठीक हूँ। यहाँ पर कपड़े सूख रहे हैं, और बस ये है, तबीयत थोड़ी ठीक है, थोड़ा गले में सूखा पर मतलब खराश हो रही है, वो धीरे धीरे हो जाएगी। स्टीम में ले रही हूँ, जो मतलब कहते हैं कोल्ड में, मेरी स्टीम मशीन ले रही, इससे मैं रोज इस तरह स्टीम लेती हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है। और पापा मुझे लग रहा कहीं जा रहे हैं, मुझे लग रहा पापा शायद कहीं जा रहे हैं घूमने फिरने में, सैर सपाटा पे। कहाँ जा रहे हो? दिल्ली टू गोवा। गोवा जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, जा रहे होंगे। और ये रही हमारी माता रानी, अभी पूजा करने वाली हुई है, दिखाऊंगी मैं आपको जो हम लोग आरती करेंगे। ये हमारा कॉरिडोर है, देख सकते हैं हमारा कॉरिडोर। और आज ब्लॉग मैंने शाम के टाइम स्टार्ट करा है, 6 बजने वाले हैं। और बस ये है कि अब बस भाभी ने स्टार्ट कर दिया है खाना बनाना व्रत का, और फिर बस भाभी फ्री होगी, उसके बाद हम लोग आरती करेंगे, उसके बाद फिर हम भोग लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपना पार्ट्स खोलेंगे। और मेरी पूरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी नवरात्रे। और नवरात्रे जब आते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं पहले से ही नवरात्रे के फास्ट करती थी, पूरे पूरे 9 रखती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा एक्साइटमेंट सी होती है जब भी ये नवरात्रे आते हैं। और चलो माता रानी जल्दी जल्दी मुझे ठीक करे, पहले की तरह एक्टिव बनाए। और बस देख के दिखा देती हूँ, पापा जा रहे हैं, देखो दिखाती हूँ। वो देखो जा रहे हैं पापा एक्टिवा से। और यहाँ पर बहुत रश है, जैसे देख सकते हैं कितनी सारी एम्बुलेंस खड़ी है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। चलो भगवान सब अपने अपने घर में अच्छे से रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे, और कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। बस मेरी तो यही आप सबके लिए विशेष है, सब अपने घरों में अच्छे से रहें बस। बाकी हमारी पूरी बालकनी में बाकी हमारी पूरी बालकनी इस टाइम बहुत मैसअप हुई है, मैसअप नहीं, आज हमने कपड़े धोए थे वो पूरा भरा हुआ है। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा फिश पॉट है, पर फिश है ही नहीं, फिश मर चुकी है सारी की सारी, तो उसके अंदर हमने पता नहीं क्या क्या रख दिया। और फिर हम चलते हैं भाभी के पास दोबारा। अब क्या कर रही हो भाभी? अब ये जैसे कि देख सकते हो आप, ये बन रहे हमारे व्रत वाले राइस, जिनको समा के चावल कहते हैं। चलो एक बार ये सब रेडी हो जाए, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, बाकी सब रेडी हो जाए फिर मैं आपको दिखाऊंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। बाय। जैसे कि आप सब देख सकते हैं हमारी माता रानी को भोग खाने का लग चुका है, वो मिल्क केक है और खाने का भी भोग लग चुका है माता रानी को। और देख सकते हो हमारे व्रत का खाना, और ये पकौड़ियाँ, और ये चावल, और सूप ये, और ये बच्चे का खाना। बच्चे
अंशु पीयूष कुछ कहना चाहोगे आज यम्मी फूड के लिए? हमारे यहाँ पे स्टेडियम में मेला लगा है तो हम लोग कल जाएंगे, बच्चे जीत कर रखिए आज जाना है, हम लोग बोल रहे हैं कल जाना, नवरात्रों में कल जाना, कल जाना। ये देखो खाना देखो, पैसे मत देना बिल्कुल भी। देना पापा मस्त हो रहा है खाने में, और ये सूप बनाया है, और ये दही है, पकौड़िया है, और ये साबुदाना की देख सकते हैं कितना स्वाद खाना बना है। और चलो अभी हम हमारे साथ बने रहिएगा, और पापा को खाते खाते खांसी आ गई, और बच्चे भी अच्छी तरह खा रहे हैं, और भाप भी बना रही है। अभी हम लोग चटनी भी बनाने लगे हैं, ये हरी मिर्च रखी है, चटनी बनेगी इसकी। और प्लीज़ इग्नोर, रसोई बहुत फैली हुई है, देख सकते हैं आप सब। भाभी अभी कंटिन्यू बना रही है, और गाइस चलो बने रहिएगा, जब मैं और मेरी भाभी फास्ट खोलेंगे हम मिलते हैं तब। ओके गाइस हम लोग आ चुके हैं दोबारा वापस, देखो कितना अच्छा खाना बनाया आज व्रत का, ये पूरा व्रत का भाभी ने बनाया है। बहुत बढ़िया बनाया गाइस, हेलो आप सब के लिए। भाभी बैठ चुके हैं नीचे अपनी चौकी लगा के, और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बैक लाइक करके भी दबाओ। ओके बाय, गुड नाइट, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में।